हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज जो टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ना, बहुत ही खास और बहुत ही इफेक्टिव। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे टिप्स जिसके प्रयोग से आपके हेयर रिमूवर तो होंगे ही, साथ में कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। जैसे हेयर रिमूवर करने पे फिर दाने निकल आते हैं, ब्लैक हो जाता है, स्किन जलने लगती है, तो उन सारी चीज़ों से आपको हमेशा के लिए छुटकारा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मेरे इस टिप्स को आपसे मेरे इस वीडियो का पूरा इंटर देखें ताकि इसकी जानकारी आपको मिल जाए। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है और आपको ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है। फ्रेंड्स, बहुत सी प्रॉब्लम होती है जब लड़कियों के फेस पे बाल निकल आते हैं, बाजू पे बाल निकल आते हैं। लड़कों का तो फेस पे बाल निकलना तो आम बात है, वो तो मतलब उन लोगों की शान होती है अगर उनके फेस पे बाल निकल आए तो, वो तो आम मतलब कि बहुत ही उनके लिए अच्छा होता है। लेकिन वही लड़कियों के फेस पे अगर बाल निकल आए तो बहुत सी प्रॉब्लम होती है, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो लड़कियां क्या क्या नहीं करवाती हैं, ब्लीचिंग करवाती हैं पार्लर में जाके कि बाल हट जाए। तो अगर फ्रेंड्स आप घर बैठे बैठे ये टिप्स अगर प्रयोग में ला रही हैं तो आपके जो ये फेस पे या बाजू पे बाल निकला है तो वो आसानी से हेयर रिमूवर हो जाएंगे। तो आप क्या करें, आपको ज़्यादा कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस आपको लेनी है वीट क्रीम। जो आप यूज़ करते हैं वीट क्रीम, जो भी हेयर रिमूवर करने के लिए आप क्रीम यूज़ करती है वो क्रीम आपको लेना है। और आपको लेनी होगी उसमें क्या क्या ऐड करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको उसमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है, आपको उसमें ऐड करनी है इसमें लेमन का पत्ता मिल रहा है तो आपको उसका पेस्ट, लेमन के पत्ते जो होते हैं उसका आपको पेस्ट बना लेना है। और उसमें मिक्स करनी है आपको हल्दी, टर्मरिक पाउडर। हाँ फ्रेंड्स, आपको टर्मरिक पाउडर हल्दी आपको लेनी है। अगर आप उसमें हल्दी ऐड करेंगे तो उससे क्या होता है, नेचुरल तो होता है ये, आपको जो भी मतलब उससे इन्फेक्शन होने वाला रहेगा वो नहीं होगा। अगर आप उसमें हल्दी ऐड करेंगे तो उसमें आपको हल्दी ऐड करनी है, आपको आधा चम्मच आपको हल्दी ऐड करनी है। और आपको लेनी है एलोवेरा जेल जो कि एकदम से नेचुरल होता है। और अगर आपके घर पे एलोवेरा का प्लांट है तो आप वो ले सकती हैं, वो ज़्यादा बेटर होगा। ओके, आपको उसका जैसे आपको प्लांट तोड़ना है उसमें से जेल जो होता है उसमें अंदर वो जेल आपको अच्छे से निकालना है और उसमें आपको मिक्स करनी है। और मिक्स करने के बाद आपको और आपको व्हीट क्रीम हो गया, एलोवेरा जेल हो गया और हल्दी हो गया, ओके, और लेमन के पत्ते का पेस्ट हो गया, आपको वो सब लेनी है। और सारे चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपको नहाने से पहले आपको आधा घंटा या 10-15 मिनट पहले आपको अपने स्किन पे अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपको ऐसे ड्राई होने के लिए छोड़ देना है और फिर आपको क्या करना है, वॉश कर लेना है। ओके, आपको रिजल्ट आपके सामने होगा। और ये बहुत ही अच्छा नुस्खा है, अगर आप ये बहुत से लोग नुस्खा आजमाए उनको अच्छा रिजल्ट भी मिला है। तो अगर आप इस टिप्स का अगर आप प्रयोग कर रही हैं तो आपको भी अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, फाइनली मिलेगा। ओके, तो अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू के बने बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी इफेक्टिव रेमेडी लेके आऊँ आपके लिए तो इसकी जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, तो आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।